हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाई पिंकी में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ सजना का साग। देखिए, सजना का साग को अच्छा से धुलाई कर ली हूँ। अब इसको एक एक पत्ता अच्छे से चूरना है। पत्ते में कोई डंठल नहीं होना चाहिए। सारे पत्ते को मैंने देखिए चुन लिया। अब इसको बारीक से बारीक कटिंग करना है। अब जितना बारीक से कटिंग करोगी उतना अच्छा बनता है। तेल गर्म हो गया। अभी हरी मिर्ची, साग, सजना का साग इसमें डाल लिए। आपको पत्ता सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। नमक, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें स्वाद अनुसार ही नमक डालना, नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है साग में नमक ज्यादा हो जाते हैं। इसको मैं मीडियम फ्लेम में रख के ढककर लगा दूंगी। बीच बीच में मैं थोड़ा हिलाते रहूंगी इसको। बीच में हमने खाली करके तेल डाल दिया। साग पक जाए तभी आप ऐसे बीच खाली करके इसको तेल डालना है। लहसुन, आप लहसुन कूटे हुआ भी डाल सकते हो, बारीक काटे हुआ भी डाल सकते हो। इसको हल्का ब्राउन कलर आ जाए तो इसको फ्राई करना है। ये हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, इसको सारे को मिक्स करना है। लहसुन के साथ सारे साग को मैंने मिक्स कर दिए। लहसुन का फ्लेवर साग के अंदर आ जाए, इसलिए ढक्कन लगा दो। देखिए, बन गया हमारा साग। ये बहुत टेस्टी, आप रोटी चावल के साथ खा सकते हो। ये आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।